amount of heat delivered to the room for each of the electrical energy consumed ideally. अब आपको रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए तब जाके इसको कर पाओगे. ये एक्चुअली डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है और इसको बच्चे डाउट में अक्सर लेके आते हैं. सबसे पहले प्यारे बच्चों समझो कि ये एक रेफ्रिजरेटर है और ये W है. वर्क डन इस पे हो गया बाहर से W. ये टेम्परेचर T2 है और यहाँ हीट Q2 है. ये टेम्परेचर T1 है, यहाँ हीट Q1 है. ये होता हमारा रूम इन्वायरमेंट एटमोस्फियर और ये होता है फूड मटेरियल फ्रिज के अंदर एप्पल मिल्क दूध. यहाँ से हीट निकाला जाएगा कैसे? जबरदस्ती किया जाएगा वर्क डन से. वर्क डन करके हम यहाँ से हीट निकाल के इसको दे देंगे. ये कहता है कि इसको रूम को ठीक है एक पर जूल वर्क डन एनर्जी डिलीवर्ड. तो इसको एनर्जी डिलीवर्ड तो Q1 ही तो है यार. मतलब पूछ रहा है ये Q1 पर जूल वर्क डन, इसकी वैल्यू ये पूछा जा रहा है Q1 अपन W. अब यहाँ जो बीटा है उसको मैं डिफाइन करता हूँ हीट टेकन फ्रॉम द सिंक टू डीली वर्क डन. ठीक है, जो फ्रिज ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छे से कम टाइम में हीट निकालेगा, उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं मार्केट में. तो इसका मतलब ये हुआ कि Q2 W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होता है. अब इसको टेम्परेचर के टर्म में लिखो तो टेम्परेचर T2 और T1 माइनस T2 ध्यान देना है डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ. तो केल्विन में बीटा को लिख लो, लिख लो T2 प्लस 273 केल्विन और यह आ जाएगा T1 माइनस T2. एक इक्वेशन यहाँ ऐसे रहने दो. ठीक है, यहाँ से अब हमें Q1 अपन Q2 कहाँ से निकलेगा? वर्क डन W इज इक्वल टू, यहाँ से देखो वर्क डन W इज इक्वल टू वो है Q1 माइनस Q2. अब एक काम करना, Q1 अपन Q2 निकालना है तो Q2 W से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं इसमें. तो 1 अपन इधर 1 आ जाएगा, इधर Q1 अपन W माइनस Q2 बाई W. इसका मतलब ये हुआ कि Q1 अपन W इज इक्वल टू 1 प्लस Q2 अपन W के इक्वल आ जाएगा. और 1 प्लस Q2 ये 1 प्लस Q2 1 प्लस Q2 निकालना पड़ेगा. तो यहाँ से मैं बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस और यही तो है बीटा Q2 अपन W यही तो है हम लोगों का ये वाला बीटा ही तो है Q2 अपन W. दिस इज द Q2 अपन W, दैट इज बीटा. यहाँ से मुझे मिल जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ. ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से जो निकाल के लेके आए थे ये वाली, तो T2 प्लस 273 और T1 माइनस T2 और 1 प्लस यहाँ से. अब ये Q1 अपन Q2 इज इक्वल टू यहाँ रखोगे